मिल रहे हैं लेकिन काफी टाइम बाद स्क्रीन पे और फोन मिलते हैं, आप कैसी हैं और आप कैसे हैं हो जाते हैं ना हमारा। वो ये हमें इंटरनेट का ये एक फायदा भी है कि आप थोड़े से और कैजुअल हो सकते हैं। हाँ, टीवी पर टेलीविजन पे ना आप थोड़ा, असल में हम लोग इंटरनेट पे भी टीवी कर रहे होते हैं तो वो गलत हो जाता है। मैं इस बात से चलूँ कि यार ये जो इंटरनेट पे टीवी हो रहा है तो मानिए अगर हम वैसे बैठने शुरू कर दें आलती पालती मार के सोफे के अंदर तो पब्लिक गालियां देगी और पब्लिक जो है उसकी मैं केयर नहीं करता। वो तो आपके लिए नई थोड़ी होंगी भाई। ये वो बंदा है जिसने हमें बताया कि ये शोज जो है ना चार दीवारी स्टूडियो से निकल के भी करने के होते हैं, रोड शो शुरू किए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें की और लोगों से बहुत सारी गलत बातें भी सुनी, ओवरबोर्ड भी गए बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये सब कुछ और फिर पसंदीदगी भी देखी। ये तो आप बड़े इम्यून हो गए इन सारी चीजों के। मेरे लिए कैजुअल रेगुलर बात है, कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं होता ही है कि मैं जब कोई ऐसी हरकत करता हूँ थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता हूँ मैं भी, एक सेकंड के लिए, फिर मैं कहता हूँ यार मैं तो हुई इसलिए, मैं मशहूर भी इसीलिए हूँ कि मैं कोई ऐसी बात। मुझे याद है जब मैं 2001 में आया था, 54 किलो का था मैं, 54 kg, और वो कहते हैं ना पवे पे आया था, ट्रू मेरिट पे आया था, क्योंकि मैं, मेरी ना शक्ल उस काबिल थी ना मेरे कपड़े इस काबिल थे, सिर्फ मेरे जो कॉन्सेप्ट और आइडियाज थे वो इस काबिल थे और जो मेरा तरीका था बात करने का। बहुत से लोग कहते थे कि आप बकवास कर रहा है सड़क पे, जब मैं पहली दफा गया। अच्छा, डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। हमें जिन पीटीवी से हमने शिफ्ट किया था ना, इंडस पहला चैनल था, मुझे याद है। हाँ, इंडस। अच्छा, इंडस की पैदावार हम सब इंडस की पैदावार है, जितने आप नाम लें पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं 99% वो इंडस रीजन से आएंगे। गदम्बर साहब ने वो चांस दिया और हमने फिर कुछ ना कुछ ऐसा प्लांट लगाया। सही, तो रोड शो मैंने जब किया तो उस वक्त तो मेरा आइडिया था और मेरे साथ एक दोस्त थे मेरा, उनका आइडिया था। वो तुम कहते ना डिफरेंट, तो तुम लोगों ने ना ऐसी आवाज टेलीविजन पर बहुत जल्दी जल्दी, नहीं नहीं नेजल के अलावा जो जल्दी जल्दी बोलता है, तेज बोलता है ना, तेज बोलता है और लोगों को लगता है अरे ये इससे क्या बोला है, कुछ क्लियर भी नहीं हुआ। तो तुम पे जब लोगों ने ये बात की तो तुम्हें कैसा लगा? मुझे एक एडवांटेज था जो कि बहुत से लोगों को उससे पहले नहीं था, क्योंकि तेज बोलने वाले नहीं आते थे। एडवांटेज ये था, आप हट जाएं जी, आप स्क्रीन के लिए नहीं आ सकते। मुझे एडवांटेज ये था कि मेरा शो रिपीट होता था 15 दफा दिन में, 15 दफा, क्योंकि वो मेरा जो स्टार्ट था वो 5 मिनट का था, उन्होंने 5 मिनट का एक शो मुझे दिया था रोड शो, जो जिसमें मैं ये जो भी सब लड़के लोग करते हैं, कभी इकरार छापा मार देता है, कभी कुछ करता है, तो वो मेरा उस शो में सब चीजें थी। अच्छा। यानी सड़क पे निकल के कभी मैं कोई टॉपिक लेता था, कभी कुछ छापा मारता था, कभी कुछ करता था, कभी मैंने किसी बाजार पे जाके बता दिया जाली फकीर बैठे में, वो इनिशिएट मैंने किया था आइडिया। और उससे पहले पीटीवी पे एक शो आता था जिसमें कि 5 ही मिनट का स्लॉट या 3 मिनट का स्लॉट में वो रोड शो होता था। अच्छा। तो मुझे भी 5 मिनट का मिल गया, मैंने उसने भी वही कर दिया, मैंने भी वो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। okay. लेकिन वो इतनी दफा चलता था कि वो गदम्बर साहब को कुछ पोटेंशियल नजर आया, उन्होंने कहा यार 10 मिनट का कर दो उसको। हाँ। फिर उन्होंने 10 मिनट का किया, फिर उन्होंने कहा इसको 20 मिनट का कर दो, हम एक शो बनाते हैं। मुझे एडवांटेज ये हुआ कि शुरू के जो 6 या 5 महीने टेस्ट ट्रांसमिशन थी और सबकी नजरें उस पर थी, इंडस पहला चैनल था तो सबने देखा वो, क्योंकि पीटीवी से लोग नोटिस हो गए, तो मैं सबसे पहले नोटिस में हो गया कि यार ये कौन है, वो तो सब जो चल रहा है वो चल रहा है, ये कौन है। अच्छा, लोगों को ये भी बुरा लगा, भाई ये बड़े अजीब से अंदाज में बोलता है, बहुत ही कैजुअल लव्ज इस्तेमाल करता है, थोड़ा बदतमीज भी है, सॉरी थोड़ी स्लैंग वर्ड्स भी यूज कर लेता है, जो टेलीविजन पर आप सुनते तो हैं टेलीविजन पर ये बोला जा रहा है। तो वो सब हुआ और फिर तुम्हारी एक्सेप्टेंस भी आ गई जो उस वक्त की नई जनरेशन थी उससे। हाँ, उसने मुझे और फिर लाइटनेस इतनी आई, फैन फॉलोइंग और ये चीजें, फिर तुम लोगों ने एक वो कौन सा शो था जिसमें तुम बैठ बैठ के पता नहीं क्या बातें करते थे। हाँ, वो फिर रेडियो पे भी शुरू किया था एक जमाने में, सबसे पहले रेडियो पे वो हिट हुआ शो और रेडियो पे हमें वो लाइमलाइट मिल गई, क्योंकि मुझे याद है साहिर का शो होने वाला था स्टार्ट। हाँ, और साहिर का सबसे बड़ा शो है आजकल रेडियो का, सबसे बड़ा शो उसी का था, लेकिन उससे पहले हमने असलवानी शो स्टार्ट किया था। हमने कहा था जो कहेंगे पहले सच कहेंगे अपने बारे में। हाँ। कि हम ये हैं, हमने ये कर दिया, हम ये हैं, हम लूजर हैं, हमने लूजर क्लब बनाया था एक। हाँ। अब तुम्हारी बारी है। तो वो शो बड़ा होते 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 तो पहली दफा पैमरा ने बैन कर दिया उस शो को। हाँ। जब पैमरा ने बैन किया तो उस FM 96 था, FM 96 पे लड़के आ गए, कोई हमारे जो फैन फॉलोइंग थी वो उन्होंने आके दरवाजा तोड़ दिया आगे। डॉक्टर रिफत वगैरह ही होते थे, मुझे याद है इमरान साहब थे, नुमान साहब थे वहाँ पे, उनको लगा हमने लड़के भेजे, हालांकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ। वो लोग हमें पसंद करते थे, हमें कहीं ना कहीं मिलते थे, पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं था? नहीं, पब्लिसिटी स्टंट उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी पब्लिसिटी स्टंट क्या होता है, क्या होता है ये तो अभी आजकल इन 2 सालों में पता नहीं क्या क्या हो गया है, इस 1 साल में कुछ और होगी दुनिया 1.5 साल में। खैर, वो जेन्युइन फैन थे। अच्छा, मुझे बताओ ये तुम्हारा जिस तरह का फन है उसको सीरियस ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, इनका क्या है, इनके क्रेडिट पे क्या है, इन्होंने कुछ, तुम उनको कैसे लेते हो तनकीद उनकी की यार, कि फिर क्योंकि
तुम्हारी एज है, तुम्हारा ये फन है इस तरह का. फिर हमने ये भी देखा कि शायद मानी इस बात को सीरियस लेने लगा, इसलिए कि मानी ड्रामों में सीरियस रोल, मानी और ड्रामों में सीरियस एक्टिंग. मैंने कोशिश की एक दो ड्रामों, तीन ड्रामों में, और बल्कि अभी दो और भी कर रहा हूँ. वो एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करता था. मैं कथा एक ग्रुप था जिसमें मेरी बहन, जिसकी वजह से मैं टीवी पे आया हूँ, मेरे अब्बा जिनकी वजह से मैं टीवी पे आया हूँ, यानी कि उनको देख देख के हम आए, उनकी वजह से नहीं आए, उनको देख देख के हम आ गए. तो इंस्पिरेशन वही लोग थे, वो लोग सीरियस एक्टर थे, मेरे अब्बा और मेरी बहन. अभी हीरा की कहानी बाद में आएगी, वो बाद में बनी. तो मुझे, मैंने जो प्लेस की हैं थिएटर की, वो सीरियस हैं. अच्छा. हाँ, वो नॉर्मल प्लेस हैं जिसमें मैं नॉर्मल एक्टिंग कर रहा हूँ. लेटर ऑन जब ये मॉर्निंग शोज और टॉक शोज खत्म होने शुरू हुए, ये अभी पिछले साल तक, मुझे एक दो ड्रामों की ऑफर हुई, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं. मेरा मसला ये है कि मैं खुद ही बनाता हूँ चीज़ें, बेशक वो बकवास हों, बहुत अच्छी हूँ. नहीं तो फिर मानी, फिर सीरियस रोल को ट्राई जब तुम्हें, मुझे समझ नहीं आया वो इशू था, बहुत मुश्किल था यार. बहुत मुश्किल है अगर आपने एक, अगर आप मानी हो, आपका नाम मानी है और आप मानी बन गए हो, और मानी की सब हरकतें, बातचीत करने का तरीका, मानी का एक स्टाइल, हाथ चलाना, मुंह चलाना, उसको चेंज करना नामुमकिन है. मैं ये सबको चैलेंज करता हूँ जितने होस्ट है. होस्ट क्यों नहीं बाद में एक्टर कामयाब होते, उसका क्योंकि एक इमेज इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट पड़ चुका होता है. बिल्कुल, कि वो गवा कर आपको, मतलब करना, जब मैंने मॉर्निंग शो किया तो मुझे लगता था यार ये क्या मतलब है कि सुबह मॉर्निंग शो कर रहे हैं और शाम में आपने आंखें चेंज की, लेंस लगाए, और आप बड़ा मुश्किल हो जाता है पब्लिक के लिए एक्सेप्ट करना. मुझे पता है चक्कर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो एक्टर्स से बड़े मशहूर मशहूर, उन्होंने होस्टिंग की, उन्होंने अपना स्टारडम खो दिया. कुछ लोगों ने बड़ी कामयाबी से किया भी, उन्होंने किया. नहीं नहीं, वो होस्टिंग, होस्टिंग एक ऐसी चीज है, मैं ये कहता हूँ जिस तरह की चीज हम करते थे ना, वो संभालना मुश्किल था. एक दो लोगों ने ट्राई की मेरी तरह की शोज करने की, वो 15 कितने 8 महीने बंद हो गए, 6 महीने बंद हो गए. मैंने तो एक शो 3-3 साल चलाया. मेरे शो कितने हैं टोटल, मैं 5 गिना दूं आपको शो, कैजुअल, मानीइज्म, वानी सेज, हीरो इज हीरो. लेकिन ये सारे शो 2 साल चले हैं, यानी कि एक शो मैंने 2-2 साल किया है. तो लोगों को याद रखे ये कोई बंदा है बेसिकली. तो मेरा शो कोई, मैंने मॉर्निंग शो नहीं किया, ब्रंच शो किया हीरा मैंने 2 साल, पता नहीं 2 साल मेरा है. मेरा ये था कि मैं जो चीज़ करना चाहता था ना, वो मेरी टीम है, मेरे कुछ लोग हैं, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ अपना ट्रेडमार्क ठप्पा लगाना चाहता हूँ. लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ, बेशक वो बुरा हो जाए, लेकिन मेरा होता है कि यार मेरा अपना था, ये 5 नाम मेरे अपने बनाए हुए थे, मैंने खुद बनाया था. अच्छा मानी, फिर हमने देखा कि तुम्हारे अपने करियर की अगर बात करें तो बीच में बड़े बड़े ब्रेक आए, और जो अब तक की एक ब्रेक है वो तो इतने सालों की हो गई, 4 साल कि हमने मानी को कोई शो के साथ नहीं देखा. मैं तो दोस्तों, तो मैं बड़े आराम से पूछ सकती हूँ कि मानी शो ऑफर नहीं हो रहा. हाँ नहीं नहीं, या तुम करना नहीं चाह रहे. कभी भी ऑफर नहीं हुआ मुझे शो, मैं आपको बताता हूँ आज पहले. जिंदगी में कभी किसी ने बोला शो करने, मैं खुद जेजे के पास गया हूँ, मैं खुद मेमुनों के पास गया हूँ, मैं खुद सुल्तानाबाग के पास गया हूँ, मैं खुद गजम्बर साहब के पास गया हूँ, मैं खुद सबके पास गया हूँ. और जब तक, तो हाउ डू यू टेक इट, आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैं कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों को शोज ऑफर होते हैं, मैं सोच के बताऊंगा. नहीं नहीं नहीं, देखिए जो शो ऑफर होते हैं वो 8 महीना बंद होते हैं. इसमें है क्या, इस शो में होगा क्या, ये वाले लोग होते हैं ना भाई, पूरा हर बंदे का हम बनता है कि भाई वो सेलेक्ट करके शो ऑफर नहीं हुआ. लेकिन आप खुद गए. मैं शुरू से, डे वन से जब मैं लिखता था तो ये सभी जितने लोग अभी चैनल हेड ये सब दोस्ती थे, तो ये जानते कितनी प्यारी और कितनी सादा बात है तुम्हारी कि तुमने आराम से सोफे पे बैठ के बोल दिया हाँ भाई मैं गया, मैं जाके बोलता हूँ मुझसे शो करा लो. हाँ नहीं, मुझे, मैं बोलता हूँ ये मेरा आइडिया है. अच्छा होता क्या है कि शो कराने कभी वो ऐसे भी आते हैं, बुरे बुरे शोज मैंने किए हैं जो कि किसी ने नहीं देखे, वो होते हैं ऑफर कि आप ये कर लें. वो होता है कि किचन चलाने के लिए हम कर लेते हैं कि चलो यार ये भी कर लिया. बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं. लेकिन 90% जो मेरा, मुझे याद है जब मेरा रोड शो स्टार्ट हो रहा था उस वक्त तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था ना, मुझे घर पे इतना देना था ना वो करना था. तो मैंने वो रोड शो क्रिएट किया कि यार PTV का टाइम चल रहा है, हम कुछ और टाइम के नजर आए. तो वो रोड शो क्लिक कर गया, विद इन 2 महीने में मैं मशहूर हो गया. फिर हमने सबसेटे के अंदर जो लैंग्वेज लेके आया है वो क्लिक कर गई, कि क्योंकि सिटकॉम या ड्रामा इस तरह का नहीं होता था. मुझे याद है जब हमारा वहाँ पे हम लोग शुगरान में शूट कर रहे थे, तो ये मोनालिसा जो आजकल सारा लोरैन है और ये बाबर अली है, उनका कोई अच्छा, उस जमाने में ये सुपर हिट थे उस टाइम पे भी, और उनका कोई ड्रामा शूट होता था, ये कहते कि बेटा ये क्या है. मुझे याद है डायरेक्टर ने बिठाया कि भाई जान ये नहीं चलेगा, ये क्या, आपको समझ आ रही है आप बोल रहे हैं, आप लोग किस तरह बात करें, अबे तबे अबे क्या हो गया भाई. तो वो टाइमिंग ही समझ नहीं आ रही थी. वो ड्रामा मुझे याद है उनका तो चला भी नहीं, शायद चला, हमारा ड्रामा सुपर हिट हो गया, यानी हम स्टार बन गए उस ड्रामे से. स्टार बन गए 3 लोग जिनकी शक्लें भी आप कहें यार ये तो सही लग भी नहीं रहे.
तो हमने प्योरली कंटेंट पे काम किया शुरू से ही. फिर क्या हुआ, जब ये इंडस म्यूजिक आया तो ये डीनो अनुशे फैजान मुझसे पहले ये लोग यहाँ थे. तो गजम्फर साहब ने कहा कि यहाँ और लोगों ने कहा कि कुछ करूँ यहाँ के लिए. तो मैंने कहा अगर मैं टॉप 10 चार्ट्स करूँगा तो मैं नजर नहीं आऊँगा क्योंकि ये अच्छे हैं उसमें. मैंने फिर वो किया जो आजकल ये ब्लॉगर्स और ये जो बच्चे नहीं कर रहे होते, टेक कर रहे होते हैं एक दूसरे की, ये वो वगैरह. मैंने ये स्टार्ट किया. ये मानी ये क्यों, ये शुरू से तुम्हारी तबीयत थी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मानी मानी के शो या मानी कहीं शो में जाएगा तो फलां की बात करेगा फलां की बात करेगा. ये तुम्हारी तबीयत थी या तुम्हें लगा कि ये एक अच्छा टूल है इस्तेमाल टू ग्रैब अटेंशन? मैंने ये किया कि जब वो तीन चार इतने अच्छे वीजेस थे तो मैं क्या करूँ. तो फिर ये होता ही था कि जब हम 97-98 में लिखते थे, जब मैं इंटर में था हम लिखते थे उस टाइम पे माया खान के लिए शो, निदा पाशा के लिए शो, इनके लिए हमने शो लिखे हुए, मतलब ये उस वक्त की हैं, ये भी बहुत पुरानी है ऐसी बात. अच्छा, हाँ. तो मुझे याद है जब हम नए इंडस्ट्री थे तो आप एक अलग खुलिए में बैठी होती थी मेकअप रूम में. हाँ. हम बात ही नहीं करते थे, मैं कोई डॉक्टर शाइस्ता है इनका भी शो चलता है. तो बेसिकली उस वक्त मुझे याद आया कि हम वो शोज ट्राई करते थे, वो तीन तीन शो के बाद बंद हो जाते थे. हम जब भी वही करते थे, हम उनसे भी ये कहवाते थे. तो मुझे याद है फखरे आलम का शो था बुम्बास्टिक, वही शो कैजुअल हो गया. वो जो निदा पाशा का शो मैंने बनाया था वही शो मानी सेज हो गया. वही सारी चीजें हम कर रहे थे. शो क्या होता था, बुम्बास्टिक बन हो गया, 15-18 एपिसोड के बाद हमने कोई एमसीक्यू में, कोई जो आजकल एमसीक्यू चल रहे हैं ये हम ही ने उस वक्त 98 में हम करते थे. ये मल्टीपल मल्टीपल चॉइस